जैसा कि आप सभी जानते हैं, ओनियन रिच होता है सल्फर में, जो हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। प्याज का रस बालों की रोग को पोषण देने का काम करता है, साथ ही सर की जो त्वचा होती है उसका खोया हुआ पोषण लौटाता है। लेकिन क्या सिर्फ प्याज का रस या प्याज बालों को पूरा पोषण देता है? नहीं, बालों को पूरा पोषण देने के लिए आपको प्याज के रस के साथ मिलाना होगा, इस्तेमाल करना होगा मेथी दाने का, यानी फेनुग्रीक का। फेनुग्रीक सीड आर फुल ऑफ न्यूट्रिशन दैट सपोर्ट हेल्दी हेयर ग्रोथ। मेथी दाना इसमें है उच्च प्रोटीन, जो गंजेपन को ठीक करने की क्षमता रखता है। साथ ही है विटामिन सी, जो प्रतिरक्षा को बढ़ाता है, जो बालों के झड़ने का मुकाबला करता है। आयरन रक्त प्रसंचरण में सुधार करता है। पोटेशियम बालों को ग्रे करने से रोकता है। निकोटिन एसिड बालों के विकास में सुधार करता है। एंटीसेडेंट एक हार्मोन्स है जो बालों के विकास में सुधार करता है और बालों के रोम के पुनर्निर्माण में मदद करता है। तो इसी ओनियन और मेथी के दानों के गुणों से भरपूर है मोड का ओनियन हेयर शैम्पू विद फेनुग्रीक। दोस्तों, अगर ओनियन जूस और मेथी के दाने मिल जाएंगे, इसके गुण मिल जाएंगे, तो आपके बालों का विकास तेजी से होगा, नए बालों की ग्रोथ आएगी, साथ ही बालों का सफ़ेद होना रुक जाएगा और बालों का वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा। तो दोस्तों, मैं यूज़ कर रही हूँ मोड का ओनियन हेयर शैम्पू विद फेनुग्रीक। क्यों? क्योंकि ये हेयर लॉस को रोकता है, डैंड्रफ को कंट्रोल करने में हेल्प करता है एंड हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, क्योंकि इसमें ओनियन के साथ फेनुग्रीक आपको मिलेगा। साथ ही दोस्तों, ये पैराबिन फ्री है, सल्फर फ्री है, टॉक्सिन फ्री है, क्रुएल्टी फ्री है और डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड है और नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिलकर ये शैम्पू बना है। सिंपल सी प्लास्टिक बोतल है, ठीक है, आपको ऊपर ये पंप बोतल मिलेगी, इसके ऊपर आपको स्टॉप एंड ओपन का ऑप्शन मिल जाएगा। जब भी आपको यूज करना है तो इसे ओपन करना है, उसके बाद बंद करके रख देना, तो काफ़ी ट्रेवल फ्रेंडली भी है, यानी आपका जो प्रोडक्ट है, जो शैम्पू है, वो गिरता नहीं है। मैं कई दिनों से उसको यूज कर रही हूँ और मैंने देखा है कि मेरे बालों की बाल जो इस टाइम मेरे झड़ रहे थे वो रुक गए हैं, डैंड्रफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। एंड हाँ, मैंने आज शैम्पू किया बट गर्म ज़्यादा है, इसलिए मैंने बालों को बांध रखा है। मेरे बालों में एक शाइन भी है और मेरे बाल जो है वो काफ़ी सॉफ्ट हो गए, क्योंकि मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा टाइट हैं, तो टाइट बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने हेयर प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो तो आप ओनियन का जूस निकाल कर, मेथी दाने को भिगो कर, मिक्स करके पेस्ट बनाकर भी अप्लाई कर सकते हैं, बट वो बहुत ही झंझटी है यार, इतना तो मुझसे नहीं हो सकता, तो इसीलिए मैंने ये शैम्पू अपने लिए मंगा लिया है और इसका इफेक्ट मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा। तो झंझट आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर झंझट से बचने के लिए और सरल उपाय, इजी उपाय अपने हेयर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है ये वाला शैम्पू, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप ये मोड का ओनियन हेयर शैम्पू विद फेनुग्रीक आप ट्राई करना चाहते हैं तो इसके बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप ज़रूर चेकआउट करना। तो दोस्तों, ये था बहुत छोटा सा जानकारी भरा वीडियो। जी हाँ, आई होप ये जानकारी भरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बगल में लगी घंटी बजा दो। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।